हाय गाइस, गुरु गेमिंग के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं गुरु आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ मीठी सी प्यारी सी यादें शेयर करेंगे और क्लैश वाली फीलिंग की है। और मैं वो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ एक और चीज़ बताना चाहता हूं। जो क्लैश वाली फीलिंग का कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था, ओके, तो उसका विनर मैं बहुत जल्दी निकालने वाला हूं, ओके, और उनको गिफ्ट मिलने वाली है। क्या गिफ्ट है वो मैं बता दूंगा, क्या गिफ्ट है, ओके, मेरे पास कुछ दिनों में आ जाएगी। तो आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया उस कॉन्टेस्ट में तो जल्दी से कर लीजिए। पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक कंटेंट बनाना है, फैन आर्ट बनाओ, वीडियो बनाओ और उसमें क्लैश वाली फीलिंग हैशटैग का यूज़ करना है। वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो तो टाइटल में क्लैश वाली फीलिंग रखना है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो तो वहाँ पे कैप्शन में हैशटैग क्लैश वाली फीलिंग रखना है और मुझे टैग करना है। टैग करना मुझे मत भूलना वरना मुझे पता नहीं चलेगा आपका कॉन्टेंट कहाँ है, ओके, तो वो करना है। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है एंड मैं विनर अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बहुत जल्द, जब मेरे को गिफ्ट मिल जाएगी, ओके, जो आपको मैं देने वाला हूँ वो, उसके बाद मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा मेरे सभी सोशल मीडिया पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, हर एक जगह पे, वीडियो में भी। तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, मेरा ऑल सोशल मीडिया का जितना भी यूज़र नेम है वो यहाँ पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे टैग कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग अब कुछ यादें ताज़ा करेंगे क्लैश वाली फीलिंग की। तो यार देखो यार, सबको पता है मेरे तो अभी बहुत सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं एंड कभी कभार हम लोग जब मिलते हैं, मतलब कि मिलते हैं तब एक साथ हम लाइन में बैठते हैं और एक साथ 5-6 फोन में क्लाउडिंग चलती है और उसका कुछ मज़ा ही अलग है। और वहाँ पर मिल के हम लोग प्लान बनाते हैं कि भाई अब देखते हैं किसको सबसे ज़्यादा लूट मिलती है या फिर किसको सबसे ज़्यादा ट्रॉफी की ऑफर मिलती है, तो उसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। एंड कभी कभार क्या होता है जब हम लोग बैठे होते हैं, जैसे कि मेरा है, तो मैं अभी बीच में मैं बैठा था तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। ओ माय गॉड, क्या लूट मिली है यार, आप लोग देखो तो सही यार, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश हो गया, इतना खुश हो गया ना भाई। भाई लूट तो देखो यार, और उसके डार्क तो देखो, डार्क और उसमें भी ओहो लूट बोनस, और उसके साथ साथ 6-7 हज़ार डार्क हो जाएंगे। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे मेरे को यार बहुत ही गजब की ऑफर मिली थी और भाई इतना खुश हो गया, क्योंकि ना मैं लेजेंड लीग पे हूँ और अप्रोक्सीमेटली मेरे को 20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट सर्चिंग के बाद, उससे ज़्यादा हो गया होगा मेरे को पता नहीं, बट उसके आसपास है, मुझे एक बेज मिला भाई। वो तो सिर्फ एक लेजेंड लीग वाले को ही पता है वो फीलिंग, कि भाई जब लेजेंड लीग में बेज मिलता है, जब ऐसे बादल हटते हैं तब क्या होता है, वो तो सिर्फ एक लेजेंड लीग वाला ही वो क्लैश फीलिंग को फील कर सकता है। और भाई दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। वो जो ऑफर तो चलो 7 की थी, बहुत ही कम थी, 7 के आसपास थी, बट जो लूट थी और बेज आया ना, मेन चीज़ तो बेज है, वो फीलिंग ही कुछ अलग है यार। इतना खुश हो गया ना कि भाई पूछो ही मत। और यहाँ पे हम सब फ्रेंड है, जैसे कि आप लोग भी होंगे, हम भी है, जब क्लेन वॉल स्टार्ट होती है तब हम लोग सब एक ही जगह पे आते हैं, जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं सोसाइटी में, वहाँ पे एक साथ बैठते हैं और वॉर का प्लान बनाते हैं कि भाई अब इस बार इस क्लेन को कैसे हराना है, स्ट्रेटेजी बनाते हैं एक साथ। हम लोग 6-7 फ्रेंड बैठ जाते हैं और बैठने के बाद लाइन में सबके हाथ में फ़ोन होता है, सबके हाथ में COC ऑन होती है, सब अपनी अपनी गेम खेल रहे होते हैं और डिस्कशन करते हैं कैसे इस क्लेन को हराया जाए। और वो जो डिस्कशन होती है उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये लोग पागल हो क्या कर रहे हैं यार, मतलब कि बोल रहे हैं और क्या गेम खेल रहे हैं, बट वो जो क्लैश वाली फीलिंग है वो एक क्लैशर को ही पता होती है कि भाई क्या होती है यार। वो फीलिंग कुछ अलग है यार, एकदम अलग है। जो हमारा बॉन्ड बनता है ना, जो हम लोगों का, वो फीलिंग ही कुछ अलग है, सच बताऊंगा, वो एक नंबर फीलिंग होती है और वो सिर्फ क्लैशर ही फील कर सकता है, वो सिर्फ क्लैशर ही फील सकता, उसके अलावा कोई नहीं फील कर सकता वो चीज़। और यहाँ पे जो क्लैश ऑफ क्लैन में जो हमारा सोशल होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं, ओके, और उसमें जो हमारा फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बाहर के फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कि कोई अदर सिटी के होते हैं, जैसे कि मेरा एक, मेरे क्लेन का एक ग्रुप है, ओके, जिसमें कोलीडर ही है, ओके, कोई अदर नहीं, बट वो कोलीडर जितने भी है, कुछ लोग मुंबई से है, कुछ लोग दिल्ली से है, कुछ लोग बेंगलोर से है, ओके, मैं अहमदाबाद से हूँ, अदर कोई है जो कि पुणे से है, ओके, तो वो सब लोग हर डिफरेंट जगह पर है, बट हम लोग एक फैमिली बने, हम लोग, और हमारा एक फ्रेंड सर्कल बना, तो वो बना ही है क्लैश ऑफ क्लैन की वजह से। तो मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकता, आज से 1-2 साल पहले मैं उनको किसी को नहीं जानता था और उनको भी नहीं पता था कि भाई मैं गुरु होऊंगा और हम लोग सब ग्रुप में एक साथ मिलकर बात करेंगे और हम लोग ऐसे फ्रेंड बन जाएंगे। अभी हम लोग एकदम क्लोज फ्रेंड है और वो रीज़न क्लैश ऑफ क्लैन है। पहले हम लोग गेम में ही बातें करते थे, फिर याद आया कि भाई
अगर हम लोग गेम में ऑनलाइन ना हो और अगर तेरा काम हो तो क्या होगा। फिर हमने सोचा कि चलो ना ग्रुप बनाते, तो फिर हमारा ऐसा ग्रुप बना। और ग्रुप व्हाट्सएप पे कब बनता है, जब फैमिली फ्रेंड्स का ही बनता है। ओके, तो वो जो है ना एक रिलेशनशिप बन जाता है, और वो बनता है ये क्लैश ऑफ क्लैन की वजह से। और जो वो फीलिंग होती है ना कि भाई वो मेरा क्लैश ऑफ क्लैन फ्रेंड है, ओके, वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है। वो सिर्फ एक क्लैशर ही जान सकता है कि भाई वो मेरा क्लैश ऑफ क्लैन फ्रेंड है। और वो जो उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो जो रिलेशनशिप होती है, वो रिलेशनशिप भी कुछ अलग ही लेवल की होती है भाई। हम लोग एक साल से दोस्त है, और रियलिटी में कुछ मैं कुछ भी मैं ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूँ। रियलिटी में वो हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट जगह से, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई मुंबई से है, कोई गुजरात में से, कोई अदर सिटी में से, ओके, अहमदाबाद से नहीं बट बड़ौदा से है या फिर राजकोट में, कुछ एक बंदा बेंगलोर से भी है, एक बंदा मुंबई से है, ओके। तो ये कब बना, अब हम वो सब डिफरेंट डिफरेंट जगह से, बट हम लोग एकजुट हुए, एक हुए, वो इस क्लैश ऑफ क्लैन की वजह से। तो ये जो क्लैश वाली फीलिंग है ना, वो भी कुछ अलग ही है। ये फीलिंग एक जो गेमर भी नहीं, एक क्लैशर ही समझ सकता है, गेमर छोड़ो एक क्लैशर ही समझ सकता है जिन्होंने क्लैश ऑफ क्लैन खेली होगी। आज जो क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं, ओके, तो वो लोग मुझे पता है बहुत टाइम से खेल रहे होंगे। और बहुत सारे लोग तो इसीलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि उनके फ्रेंड्स खेल रहे गेम, तो ओके, तो वो जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है जो बंदों के बीच का, वो तोड़ना नहीं चाहते। आज बहुत सारे मेरे क्लैन में है, ओके, सबके सब लोग मेरे क्लैन में, बहुत सारे लोग ऐसे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, फ्रेंड्स बन गए। आज वो व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, फेसबुक पे बातें करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेज दिए, तो आज एक फ्रेंड बन गए। मतलब कि जो दो बंदे एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, आज वो फ्रेंड बन गए, वो क्लैश ऑफ क्लैन की वजह से। तो ये जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही अलग है। मैंने सोचा कि भाई आपको एक बार मैं एक वीडियो बनाऊँ और ये जो यादें हैं थोड़ी ताज़ा करवाऊँ, ओके। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं, रिलेशनशिप होती है, फ्रेंडशिप बनती है इतनी पाकी। हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो एक क्लैन है उनका जो ग्रुप है, वो भी मतलब कि एकदम हमारा जितने भी दोस्त है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और हम कभी भी दोस्ती टूटी नहीं है अभी तक, और कभी भी कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ और ना होगा। आप मुझे बताओ कि भाई क्या आपके भी ऐसे ऐसा क्लैन का ग्रुप है, क्या आपके भी ऐसे फ्रेंड बने हुए हैं, पूरा ग्रुप है फ्रेंड का, क्लैश ऑफ क्लैन फ्रेंड का, अभी भी साथ में खेल रहे हो। मेरे को पता है बहुत सारे लोग होंगे। या फिर आप मुझे अपनी एक कहानी बताओ, ओके, ऐसी सेम टू सेम जैसे कि मैंने बताई मेरी क्लैश वाली फीलिंग की कहानी, क्लैश ऑफ क्लैन की, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। जो भी अच्छी कहानी बताएगा मैं सबकी कमेंट पढ़ूंगा, ओके, वैसे पढ़ता ही हूँ, बट मैं शाउट आउट तक दूंगा, ओके, आने वाले वीडियो में या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर, जिसकी भी कहानी अच्छी होगी उसकी। और सच होनी चाहिए, कोई भी बातें घुमा घुमा के मत रखना, अपने क्लैश ऑफ क्लैन पे भरोसा रखना, अपनी जो रिलेशनशिप है, मतलब कि जो अपनी फ्रेंडशिप है, अपने आप पे भरोसा रख के वो कहानी बताना, कुछ भी झूठी मूठी या अफवाह मत बताना मेरे को, ओके। मुझे जरूर शेयर करना आपकी ये क्लैश वाली फीलिंग भाई कैसी है, आपकी क्लैश ऑफ क्लैन फ्रेंड का बॉन्ड कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है, कितने फ्रेंड्स बने हैं, अभी कैसे चल रहा है, जरूर बताना। एंड आई होप आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है यार, ये क्लैश वाली फीलिंग के नाम पे एक लाइक तो बनती है भाई साहब, एक लाइक तो बनती है क्लैश वाली फीलिंग के नाम पे, क्लैश ऑफ क्लैन के नाम पे। एंड चलो पहली बार आ रहे हो गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना भूलना मत, बिकॉज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए द क्लैश ऑफ क्लैंस। Jagger, 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 jagger